हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड है 5, सब्जेक्ट है हिंदी, चैप्टर नंबर 7, चंद्रमा की यात्रा। तो स्टूडेंट, ये जो पार्ट है ना चंद्रमा की यात्रा, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके स्टोरी भी मैंने आपको बता दी थी, फिर उसके बाद इसके जो हार्ड वर्ड्स मिलेंगे ना वो भी करवा दिए, सब्जेक्ट वो करवा दिया था। और अब है अभ्यास एक्सरसाइज जो मैं आपको अभी करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, दिन रात लगातार पैदल चलने पर चांद पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगेगा। ऑप्शन ए लगभग 2000 वर्ष, 200 वर्ष। ऑप्शन बी लगभग 219 वर्ष। ऑप्शन सी लगभग 230 वर्ष। ऑप्शन डी लगभग 319 वर्ष। तो उसका सही आंसर आएगा स्टूडेंट ऑप्शन बी, लगभग 219 वर्ष, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, चांद किसके प्रकाश से चमकता है। ऑप्शन है ए अपने प्रकाश से, ऑप्शन बी तारों के प्रकाश से, ऑप्शन सी धरती के प्रकाश से, ऑप्शन डी सूर्य के प्रकाश से। तो उसका सही आंसर आएगा स्टूडेंट सूर्य के प्रकाश से। अब है क्वेश्चन नंबर 3, हम यांत्रिक यान में तैरते क्यों हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हम यांत्रिक यान में तैरते क्यों हैं। तो उसके ऑप्शन है ए हवा अधिक होने के कारण, ऑप्शन बी खड्डे अधिक होने के कारण, ऑप्शन सी चुंबकीय शक्ति न होने के कारण, या ऑप्शन डी वजन कम होने के कारण। तो उसका सही आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3, चुंबकीय शक्ति न होने के कारण, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय शक्ति न होने के कारण। अब है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, चांद पर पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे पशु पक्षी क्यों नहीं होते। तो उसका आंसर आएगा चांद पर हवा नहीं होने के कारण पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे पशु पक्षी नहीं होते। अब है क्वेश्चन नंबर 2, चांद पर सबसे पहले कौन और कब पहुंचा। तो उसका आंसर है चांद पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग 21 जुलाई 1964 को पहुंचे थे। नंबर 3, चांद से पृथ्वी को देखने पर अंतरिक्ष यात्री खुश क्यों हुए। तो उसका आंसर है चांद से पृथ्वी को देखने से पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए अंतरिक्ष यात्री खुश हुए। नंबर 4, चांद पर पहुंचना पूरी मानव जाति के लिए गर्व की बात है, कैसे। तो उसका आंसर आएगा चांद पर पहुंचना मनुष्य की एक महान उपलब्धि है, इसलिए मानव जाति के लिए वह एक गर्व की बात है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, चांद पर पहुंचकर दोनों यात्रियों ने क्या देखा, क्या किया। तो उसका आंसर आएगा चांद पर पहुंचकर दोनों यात्रियों ने कुछ देर पैदल चलकर यहां से रेत और पत्थर का टुकड़ा उठाया और दूसरे उसे पृथ्वी पर ले आए। तो उन्होंने क्या किया था, तो मिट्टी और जो रेत थी ना उसका पत्थरों का टुकड़ा लेकर पृथ्वी पर लेकर आ गए। अब है क्वेश्चन नंबर 3, सही शब्द चुनकर रक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चॉइस द करेक्ट वर्ड। नंबर 1, रेवा और नागेश को चांद में अलग अलग खाली जगह नजर आ रही थी, तो क्या नजर आ रही थी, आकृतियां। फिर नंबर 2, तभी दादी जी की खाली जगह सुनाई दी, आवाज सुनाई दी। तो उसका आंसर क्या आएगा, आवाज। फिर है नंबर 3,
हमारी खाली जगह चांद से 81 गुना बड़ी है तो क्या पृथ्वी। नंबर 4, चांद पर खाली जगह शक्ति बहुत कम है, गुरुत्वाकर्षण। उसका आंसर क्या आएगा? गुरुत्वाकर्षण। फिर नंबर 6, खाली जगह यान का दरवाजा खुला, अंतरिक्ष का। उसमें आंसर क्या आएगा? यांत्रिक्स का। फिर नंबर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्द के उचित स्थान पर या चंद्र बिंदु लगाकर लिखो, तो अंतरिक्ष। ये देखो इसमें क्या करना है, ऐसे जो शब्द लिखा है ना अंतरिक्ष, तो हमें उसको अर्थमय की तरह लिखना है, जैसे कि अ के ऊपर टपका करना है, तो इसका क्या होगा? अंतरिक्ष। फिर चांद, ये चांद की जो जोड़ी है ना इधर, वो गलत है, तो हमें इसे सही लिखना है, चांद। फिर पहुंचा, तो पहुंचा। कड़क, तो कड़क। ठीक है, फिर उसी तरह से इधर आनंद, तो आनंद। फिर कौवा, तो कौवा। पंद्रह, तो क्या होगा? पंद्रह। चुंबकीय, तो उसका होगा चुंबकीय। अब है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य में से प्रविष्ट शब्द चुनकर लिखो, चांद बहुत सुंदर था, तो उसमें जो बहुत शब्द है ना वो आएगा, विशेष जो विशेषित संज्ञा है ना उसमें बहुत जो शब्द है वो आएगा। नागेश तो कुछ ज्यादा ही लंबा है, तो उसमें लंबा जो शब्द है ना वो आएगा, कुछ आएगा, सॉरी लंबा नहीं, कुछ जो शब्द है ना कुछ वो आएगा। फिर नंबर 3 पर है, रेवा अधिक मेहनती है, तो उसमें जो शब्द है वो कौन सा आएगा? अधिक। उसके आंसर में आएगा अधिक। फिर नंबर 4, चांद से धरती बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, तो उसमें भी बहुत आएगा, उसमें कौन सा शब्द आएगा? बहुत। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर थे ना वो करवा दिए हैं, तो आप लोग अपने हिंदी की नोटबुक में ये सारे क्वेश्चन आंसर लिख लेना और होमवर्क की बुक में भी लिखना। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर नंबर 7 है वो होता है पूरा, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब आपको ये एक्सरसाइज है ना उसको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये जो चैप्टर है उसको लर्न भी करना है और लिखना भी है। थैंक यू स्टूडेंट।